से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। काफ़ी दिन से बात चल रही है कॉलेज कब खुलेंगे, कॉलेज कब खुलेंगे, और आपके एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन मोड में होंगे या ऑफलाइन मोड में होंगे। तो ये जो आपको न्यूज़ आई थी, मैंने इसका वीडियो पहले बनाया था, आज दोबारा बना रहा हूँ वीडियो, आज और क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि स्कूल तो खुल गए 9वीं से 12वीं के, अब 1 तारीख से, वो तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो मैंने कह रहा 1 तारीख से कॉलेज भी हमारे अक्टूबर से खुल जाएंगे, तो उसी को लेकर इस न्यूज़ में आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खोलेंगे, यानी कि अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज और साथ में कोचिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। फिर लिखा है ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन टीचिंग भी जारी रहेगी, क्लास आपकी ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। तो अब जो है मेन बात कि कॉलेज कब खुलेंगे इसके ऊपर जो है, तो कॉलेज एक जो आपके बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, थर्ड में, फोर्थ में पढ़ रहे हैं, जो लास्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, उनके 16 जुलाई से क्लास शुरू हो चुकी है ऑनलाइन DU/EE की, और NCERT की शुरू होने वाली क्लासेस। और जो बच्चे हैं अभी SOL के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बात चल रही क्लास खोलने की। तो 1 अक्टूबर की जो डेट है, मेरे हिसाब से 1 अक्टूबर जो है उसके आसपास ये कॉलेज आपके सबके खुल जाएंगे, चाहे वो DU/EE के बच्चे हों, चाहे वो आपके NCERT के स्टूडेंट्स हों, या फिर आपके वो SOL के स्टूडेंट्स हों। 1 अक्टूबर से दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, अभी भी ओपन है एडमिशन के लिए। तो क्लासेज आपकी 1 तारीख से 1 अक्टूबर से उम्मीद है पूरी कि ओपन होके सभी के क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। कुछ टाइम 2-3 घंटे आप कॉलेज में जाएंगे, 2-3 घंटे आप घर में पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो है नेक्स्ट थिंग कि आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो इस बार तक जो दिख रहा है अभी मुझे फ़िलहाल, जो नया सेमेस्टर आपका आने वाला है, वहाँ पर ऑफलाइन कहना होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब कॉलेज और स्कूल खुली जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों होंगे, ऑनलाइन क्यों होंगे, ऑफलाइन ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ आ रही है कि 1 अक्टूबर से आपके कॉलेज खुलने वाले हैं, और आपके जो एग्ज़ाम की बात आएगी 2-3 महीने के बाद, अगर तीसरी लहर नहीं आती तो फिर आपके एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन मोड में होंगे। तो सभी तैयार रहें ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए, और अपने सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देख लीजिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था सिलेबस के बारे में, कौन से पेपर हैं आपके, वो भी आप देख लें। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।